शमीम खान ने 38 बस स्टैंड लगाए। तमाम लोग ये सवाल नहीं उठाते इस्लामुद्दीन भाई, ये वही उठाते हैं जिनके आंख में ब्लैक चश्मा लगा होता है। बात करने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, अगर कहूंगा तो समुंदर भी कम पड़ेगा, लेकिन छेड़ो मत। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने एक बार फिर कलवा भास्कर नगर और अन्य इलाकों में माहागिरी स्थित अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए बस सेवा शुरू कराई है। शमीम खान ने बताया है कि इसके पहले भी बस लड़कियों के लिए शुरुआत की गई थी और दूसरी बस अब लड़कों के लिए चलाई जा रही है। बस की ओपनिंग भी की गई। इस वक्त शमीम खान और स्कूल के जिम्मेदार और टीएमसी के परिवहन समिति के जिम्मेदार मौजूद रहे। इस दौरान बस सेवा शुरू करने पर शमीम खान का स्कूल के तरफ से सम्मान सत्कार भी किया गया है। शमीम खान ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने जो काम किया है वो मेरा फ़र्ज था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चाँद दाऊद शेख साहब का, जो हेड मास्टर ऑफ अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के हैं, साथ में मैडम हैं और आए हुए तमाम जो टीचर्स हजरात हैं। आप लोगों ने यहाँ आकर के मेरा हौसला अफजाई किया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात मैंने जो चालू कराई, आपने कहा कि आप लोगों ने उसको बताया कि जिस तरीके से कलवा के अंदर एक इलाका है भास्कर नगर, उसके बाद में एक इलाका है शांति नगर, एक इलाका है गुलाई नगर, वागोबा नगर, फुले नगर, जय भीम नगर, कलवा नाका टू महागिरी थाने अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल। देखिए, यहाँ के लिए जो ये इलाके हैं जो आपको बताया मैंने 7 नाम टोटल, ये ऐसे इलाके हैं जो कलवा के अंदर एक ये कहीं ना कहीं मुस्तहिक, कहीं ना कहीं स्लम इलाके हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के लिए जाने के लिए उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी दुश्वारियों का, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। तो मुझे मैडम ने और सर ने इसके ताल्लुक से बात की और मुझे ख़त दिया कि शमीम भाई, आप वहाँ के लिए बस चलाइए। इन सब हलकों से होते हुए बस पहुँचे माहगिरी तक। तो मैंने उसको सीरियसली लिया और मैंने अपने जो चेयरमैन हैं विलास जोशी काका और हमारे जो व्यवस्थापक जी हैं उनके साथ भैरे साहब से बात करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और ख़त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका ख़त आ गया। उनके ज़रिए से मेरी बात को उन्होंने मंजूर कर दिया और उन्होंने मुझे ये ख़त दिया है। देखिए, आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें यह है कि हमारी जो मांग थी कि यहाँ से बस चलाई जाए और इन बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले, तो ये बस 20 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है, जिसका इनॉग्रेशन कल सर ने माहगिरी में रखा है। और कल यानी 20 तारीख से ही बस ये स्टार्ट हो गई है, लेकिन कल सर ने उसका इनॉग्रेशन रखा है। कल जहाँ पे जहाँ तक इसके पहले भी इस स्कूल के लिए बस का जो है शुरुआत किया गया था, तो उस बस का क्या हुआ और क्या ये दोबारा बस चालू की गई है? तो अगर डबल बस चालू हुई तो कितने बस चल रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं मैं कि अभी सर से मैंने पूछा। देखिए, अंजुमन खैरुल इस्लाम एक ये वो अदारा है जो हाई स्कूल बॉयज़ है, ये वो अदारा है कि जहाँ पे टोटल महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर 22 ब्रांचेज है टोटल। बताता हूँ सर आपको, मैं बताता हूँ सर, 22 ब्रांचेज टोटल है। ये एक बहुत बड़ा दीनी अदारा है और सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तलबा, गरीब, मुस्तहिक, यानी अगर ये देखा जाए तो यतीम बच्चे भी सर पढ़ते हैं यहाँ पे। चार यतीम खाने चलते हैं सर के पास। तो ये तादाद बढ़ गई बच्चों की, जो आपने सवाल किया। बस पहले भी चलाई गई, मैडम ने मांग किया था, सर ने कहा था 11 मार्च 2022 को बस वहाँ पे ओपनिंग किया था हम लोगों ने, वो लड़कियों के लिए था और ये जो है ये लड़कों के लिए है। तो वो बच्चों के लिए था, ये बच्चों के लिए है। क्या था, बीच में एक हादसा हो गया था जिसको लेकर के मैंने वहाँ पे हमारे सभा गृह के अंदर हाउस में मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी कि एक कंडक्टर ने एक बच्ची के साथ बदतमीज़ी कर दिया था। उस पर हमारे चेयरमैन साहब ने एक्शन भी लिया, उसकी जांच भी किया, तो मैडम ने उसकी मांग किया था। तो हमने ये उस टाइम प्लान किया था कि बच्चों का और बच्चियों का दोनों का बस अलग होना चाहिए सर। और आपने जब इसकी मुझे ख़त दिया तो लेडीज़ कंडक्टर्स की मांग किया था आपने, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ कंडक्टर भी हो गया, बच्चियों का बस अलग हो गया, बच्चों का बस अलग हो गया। और देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ये तो दूसरी बस है इस तरीके की,
मैं यह वादा करता हूँ आपके माध्यम से, प्रहार टाइम्स के माध्यम से, कि जहाँ पे जिसको ज़रूरत होगी, मुझे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने अगर ये परिवहन समिति का सदस्य का ये पोजीशन पोस्ट दिया है, तो मैं एक खादिम बनकर के अपने इस पोस्ट पे, अपनी इस पोजीशन पे काम करके मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उन लोगों को जो लोग यहाँ से भिवंडी कहीं का भी सफ़र करते हों, व्यापारी लोग हों, कारोबारी लोग हों, स्कूल के स्टूडेंट्स हों, मैं ये कोशिश करूँगा कि उन तमाम लोगों को जिनको बस की फैसिलिटीज़ चाहिए, उनके लिए आईसी 2 बस, क्या आईसी 200 बस भी देंगे तो भी कम पड़ेगा। मुंब्रा कोटा के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं कि मुंब्रा में कई जगह पर बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड भी है तो ये रोक के ख़त्म हो गया है, तो आप वहाँ पर बस स्टैंड तमाम लोग ये सवाल नहीं उठाते इस्लामुद्दीन भाई, ये वही उठाते हैं जिनके आँख में ब्लैक चश्मा लगा होता है। उन्हें कह दो कि ब्लैक चश्मा निकालें और रखें अपने टेबल पे, जैसे मैंने लगाया है ना ये बराबर दिखता है, बोलो ऐसे लगाएं तो जैसे मुझे दिखता है ना ऐसे उनको भी दिखेगा, और उनकी क्लियरिटी सही कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह शमीम खान ने 38 बस स्टैंड लगाए और 9 शेड बस स्टॉप लगाए, और जो कभी मुंबई मुंब्रा से लेकर के CST और CST से लेकर मुंब्रा तक बस चालू नहीं हुई थी, वो काम शमीम खान ने किया है। कौन क्या बात करेगा शमीम खान के बारे में, बात करने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, अगर कहूँगा तो समुंदर भी कम पड़ेगा, लेकिन छेड़ो मत, छेड़ोगे तो आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा।